तो एक बढ़िया जोरदार तेजी के साथ भारतीय बाजार अब कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है और करीब करीब 120 अंकों का उछाल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स जो कि अब 250 अंकों पर आ चुका है और निफ्टी बैंक भी करीब करीब 110 अंकों की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। तो क्रॉस द बोर्ड मार्केट्स अब डे हाई पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेगा। एक बार एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर अच्छी खरीदारी है। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस अभी डे हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिखेंगे। एडवांसेस के लिहाज से करीब करीब 1900 शेयर जो कि तेजी में अभी कामकाज कर रहे हैं, 478 शेयरों में बिकवाली है और एडवांसेस का नंबर दिन के ऊपरी स्तरों पर आपको दिखाई पड़ेगा। ब्रॉडर मार्केट्स में भी यानी कि बीएससी में भी ये जो एडवांस का नंबर है रफली 2800 के आसपास पहुंच चुका है, 1100 शेयरों में वहां पर बिकवाली देखने को मिले। तो चाहे आप एफएनओ साइड पर देखें, कैश मार्केट में देखें, बीएससी में देखें, सब में एडवांस डिक्लाइन का नंबर जो है वो आपको बेहतर साइड पर एडवांसेस के फेवर में दिखाई पड़ेगा। हमारे साथ रूपक डे मौजूद है एलकेबी सिक्योरिटी से बातचीत करने के लिए। रूपक नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू, क्योंकि आज 22,200 के ऊपर अब हम कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं और एक अच्छा कमबैक मार्केट ने लिया कल 21,850 से, आप कैसे रीड कर रहे हो? जी मार्केट को पॉजिटिवली रीड कर रहे हो क्योंकि कल जो लो बनाया था और डे एंड में एक हैमर पैटर्न बनाया था जो कि एक रिवर्सल पैटर्न, जब अगर अपना करेक्शन फॉर्म होता है तो ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट यहाँ से रैली करेगा, बट उसके लिए 22,225 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। तो 22,225 के ऊपर क्लोजिंग देने पर मेरे ख्याल से निफ्टी में शॉर्ट टर्म जो रैली वो कंटिन्यूड रहेगा और 22,600 तक जा सकता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है 48,000 का, 48,000 के ऊपर क्लोजिंग देने पर 1000 पॉइंट का रैली एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी से। तो ओवरऑल सेंटिमेंट मेरे ख्याल से पॉजिटिव रहना चाहिए निफ्टी में, जब तक 21,800 के ऊपर है तब तक पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा 22,225 के ऊपर क्लोजिंग देने पर। तो 22,225 के ऊपर क्लोजिंग अगर मिलती है मार्केट्स की तो ये तेजी और एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन निफ्टी निफ्टी बैंक सो फार डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के ऊपर, निफ्टी बैंक के ऊपर रूपक, क्योंकि आज पार्टिसिपेशन में थोड़ा सा लेट आया है लेकिन एकाएक आया है, तो निफ्टी बैंक क्या ये 48,000 के ऊपर कंफर्टेबली 48,200 48,300 देखेगा क्या? मेरे ख्याल से दिखना चाहिए इंट्राडे बेसिस में 48,200 के आसपास एक बार जाना चाहिए, क्लोजिंग देखना पड़ेगा, क्लोजिंग 48,000 के ऊपर होता है तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो क्लोजिंग में अगर मिल जाता है 48,200 48,300 तो ज्यादा बेहतर रहेगा। रूपक, स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर आपकी नजर है, कहां आप लॉन्ग हो, शॉर्ट कॉल भी है? स्टॉक्स में अगर बात करें तो मेटल्स में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रहा है आज का दिन, तो मेरा जो स्टॉक रहेगा सेल में रहेगा एक कॉल, तो सेल ने कंसोलिडेशन था दो दिन का, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया राइजिंग वॉल्यूम के साथ, तो मेरे ख्याल से जो पॉजिटिविटी क्रिएटेड हुआ वो सेल को 172 तक लेके जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 157 का। और दूसरी कॉल रहेगा मेरा इंडस टावर में, ये स्टॉक ने भी एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म किया, कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया और उसके बाद एक रैली आया स्टॉक में, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सस्टेन कर रहा है, तो ये स्टॉक मेरे ख्याल से 357 तक जा सकता है वेरी नियर टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 330 पे। तो 330 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप इंडस टावर में लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को बना के चल सकते हैं। और दूसरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, मेटल वैसे भी आज बढ़िया तेजी में है तो सेल में आप बेट कर सकते हैं। 172 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पर जाएंगे, 157 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। चलिए अब कुछ और मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर ही फोकस कर लेते हैं, किस तरह के स्टेट अभी मार्केट्स के अंदर अपमूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स वैसे भी डे हाई के आसपास आ चुका है तो करीब करीब 3/4% का उछाल यहाँ पर है, 50,130 के सेंस में मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में पहले नाम आता है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के, पूरा पीएसयू बास्केट आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे, खासतौर से है तो चढ़ने वाले लेकिन चार में से तीन नाम पीएसयू के हैं। ईआईएल 7% ऊपर, हुडको 5% ऊपर, एसजेवीएन 3.5% ऊपर और वोकार्ड करीब करीब 4% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। गिरने वाले शेयरों में प्रॉफिट टेकिंग है यूपीएल में कल की तेजी के बाद, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3% नीचे है, इडलवाइस 2.5% नीचे और लूपिन करीब करीब 2.5% बिकवाली यहां से आते हुए दिखाई पड़ रही है। मेटल शेयरों में आज रफ्तार है तो अभी सेल जिसकी बात रूपक कर रहे थे, जेएसपीएल नंबर्स के बाद 4% चला, हिंदुस्तान कॉपर 3.5% ऊपर और नालको करीब करीब 5% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। रियल स्टेट स्पेस में एक बढ़िया अपमूव है, इसमें पूर्वांकरा 5% ऊपर, डीबी रियल्टी 4% ऊपर, मैक्रोटेक 2.5% ऊपर और प्रेस्टीज स्टेट करीब करीब 2% तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। पावर शेयरों में एसजेवीएन 3.5% ऊपर है, अदानी पावर 5.5% ऊपर है, टोरेंट पावर 4% ऊपर है
और जे एस डब्ल्यू एनर्जी भी करीब करीब 3.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है, और रेलवे में तो आज जबरदस्त रफ्तार है। तो चाहे रेलटेल हो 8.5%, RVNL हो 6%, एयरकॉन हो 7%, टेक्समैको हो 3% की तेजी यहाँ से भी आते हुए दिखाई पड़े। तो रेलवे शेयर आज वैसे भी अच्छे अपमूव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल मार्केट्स के अंदर एक अच्छी रफ्तार है, जिसमें अलग अलग PSU बास्केट या रेलवेज या डिफेंस यहाँ पर भी एक अपमूव देखने को मिल रहा है। रेलवे शेयरों में अच्छी तेजी है रूपक, IRCTC, इरकॉन, RVNL, इनमें से कोई नाम पिक करोगे क्या आप? जी IRCTC पिक करना चाहूंगा। तो स्टॉक ने जो रिसेंट जो करेक्शन दिया था, उस करेक्शन का एक रिवर्सल पैटर्न आज दिखाया है, तो राइजिंग वॉल्यूम और इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। तो IRCTC यहाँ से अभी करेंटली 154 के आसपास है, तो वेरी शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से 165 तक तो जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 150 के नीचे। तो IRCTC के ऊपर आप बेट कर सकते हैं, जो कि आपको रूपक बता रहे हैं। चले अब दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया है आज डिफेंस स्पेस, यहाँ पर बढ़िया एक्शन बना हुआ है। 3% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लाइफ हाई पर कामकाज कर रहा है, एक बढ़िया रफ्तार पूरे स्पेस में है। आशीष ने तमाम डिफेंस कंपनियों का इवैल्यूएशन किया है, आपको सुनवाते हैं। आशीष बताइए, किस तरह की डिटेल आज एक बढ़िया तेज़ी डिफेंस स्पेस में है, 9% 10% तक के मूव हैं, क्या हो रहा है डिफेंस स्पेस में आज? ना सिर्फ डिफेंस बल्कि आपने नोटिस करा होगा स्क्रीन पे रेलवे स्टॉक्स भी गजब करे हुए हैं। पर जहां तक डिफेंस की बात है, कोई HAL निफ्टी के वायदा के टॉप गेनर्स में से एक, साथ में कोई कोचीन शिपयार्ड, मजगांव डॉक, गार्डन रीच, भारत डायनेमिक, सब में बहुत अच्छे मूव्स हैं। दरअसल HAL को लेकर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, दिग्गज फॉरन ब्रोकिंग हाउस UBS की बाय कॉल, और लक्ष्य पहले दिया हुआ 3,600 का बढ़ा के 5,200 रुपए कर दिया है, यानी कि मौजूदा भाव से 28% का और अपसाइड नजर आता है। और रिपोर्ट के कंटेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो कह रहे हैं इस कंपनी की ऑर्डर बुक फोरकास्टेड है 3 गुना बढ़ती हुई नजर आएगी FY23 से FY27 के बीच, और बड़ा हिस्सा होगा क्योंकि हमारी डिप्लीटिंग फ्लीट है, तो लार्ज मिलिट्री ऑर्डर्स में एक तगड़ा पिकअप वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका जो ऑर्डर इंटेक का एस्टिमेट है, उनका कहना है कंसेंसस जो है उससे 100% ज्यादा हमारे ऑर्डर इंटेक का कंसेंसस है, हमारा अनुमान है। FY24 से FY28 के बीच में एक्सपेक्टेड है ये कंपनी 5.3 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स, मतलब 5.25 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर्स बैक करती हुई नजर आएगी, और इसके चलते वो अपना EPS फोरकास्ट बढ़ा रहे हैं, प्लस जो इस कंपनी को मल्टीपल्स मिलते हैं पी, उसमें भी आप इजाफा होता हुआ देखेंगे। और इन दोनों के फलस्वरूप होगा ये कि कंपनी 28% ऊपर और उछाल दिखाती हुई नजर आएगी, और इसीलिए इस तरह के एग्रेसिव टारगेट्स हैं। अच्छा, ये तो पूरे डिफेंस का मूड सुधारने वाली खबर थी। कोचिन शिपयार्ड के लिए एक एडिशनल खबर ये आई थी कल शाम को बाजार बंद होने के बाद, कि एक यूरोपियन क्लाइंट से इस कंपनी को ऑर्डर मिला एक मीनिंगफुल साइज का, 500 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास का वेसल्स यानी कि जहाज बनाने का, तो कोचिन शिपयार्ड भी इसलिए खबरों में था। अदरवाइज इस रिपोर्ट ने पूरे सेक्टर का सेंटिमेंट लिफ्ट कर दिया। तो तमाम डिफेंस के स्टॉक एक बढ़िया तेजी में कामकाज करते हुए, रूपक HAL आज अच्छी तेजी में है, कुछ कहना चाहोगे आप इस पे? करीब करीब 3% ऊपर है, नए ऑल टाइम हाई पर, क्या करें इसमें? इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग हाई जो है डेली चार्ट पे, उस पे उसका ब्रेकआउट दिया और राइजिंग वॉल्यूम के साथ, तो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 3940 का, जब तक 3940 नहीं टूट रहा है तब तक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रहेगा स्टॉक, और अपसाइड में 4200 तक जा सकता है इमीडिएटली, मतलब नियर टर्म में। तो HAL करीब करीब 4036 4037 के जोन्स में भी कामकाज करते हुए। अब एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है, MSCI के ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में आज रात बदलाव के बड़े ऐलान होने वाले हैं। किन शेयरों में एंट्री हो सकती है, कौन से स्टॉक बाहर हो सकते हैं, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो यतिन क्या डिटेल है MSCI की तरफ से? तो देखिए, आज MSCI का जो मे रिव्यू होगा, आज रात में सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी, और कौन से शेयर्स और कौन से एक्सक्लूजन्स होंगे वो सारी डिटेल्स आज आने वाली है। ऑब्वियसली येस्टरडे अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्रोकरेज ने इस पर नोट्स भी बनाई हैं, और आज की बात करें तो जो नुआमा रिसर्च की रिपोर्ट है उसके हिसाब से बहुत सारे स्टॉक्स का इंक्लूजन होगा, लगभग 15 से 17 हज़ार करोड़ रुपए की बाइंग
ऑन अ नेट बेसिस एक्सपेक्टेड है इस पूरे के पूरे एमएससीआई इंक्लूजन में। तो शुरू करते हैं इंक्लूजन के साथ, जहां इंडस टावर ये एक स्टॉक रहेगा फोकस में, क्योंकि एमएससीआई का जो इंक्लूजन है वो तय है और लगभग $225 million के आसपास की बाइंग इन्फ्लो आपको इस स्टॉक में आती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिसी बाजार, फिनिक्स मिल, सुंदरम फाइनेंस, सोलार इंडस्ट्रीज, इन सब स्टॉक्स में भी खरीदारी दिखेगी और करीब करीब $20 crore के आसपास की बाइंग NHPC, बॉश और जिंदल स्टेनलेस जैसे काउंटर्स में भी आपको दिखाई पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर हम एक्सक्लूजन्स की बात करें तो पेटीएम यानी 197 ये शेयर जो है बाहर होगा। इसके अलावा बर्जर पेंट और इंद्रप्रस्थ गैस जैसे काउंटर्स में आप देखेंगे कि 800 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हावी होगी, क्योंकि ये तीन स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं और कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ नजर पड़ेगा। याद रखिए 31 मई को रीबैलेंसिंग होगी 3 से 3:30 बजे दोपहर के आसपास, लेकिन कल स्टॉक्स को एक्सपेक्ट कीजिए रिएक्ट करें, क्योंकि ऑफिशियल लिस्ट जो है वो कल सुबह आपको प्री मार्केट मिल जाएगी। तो MSCI ग्लोबल इंडेक्स के जो बदलाव हैं वो बदलाव की लिस्ट आपको कल तक आते हुए दिखाई पड़ेगी। तमाम डिटेल्स आपको यतिन बता भी रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और शेयरों के ऊपर भी बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और करीब करीब 120 अंकों की बढ़त निफ्टी में है। सेंसेक्स 360 अंक ऊपर आ चुका है, निफ्टी बैंक अब 91 अंक ऊपर है और मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी देखने को मिली। लेकिन कल एक दुखद घटना हुई मुंबई में, जहां पे मुंबई के घाटकोपर में होल्डिंग गिरने से करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है। कल भयंकर आंधी तूफान के चलते ये हादसा हुआ था, 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं, राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। पूरे मामले में FIR दर्ज हो चुकी है और मुंबई पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। हादसे की जगह का पूरा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता। इस समय हम छेड़ानगर इलाके पे मौजूद है और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जब आंधी तूफान आ रहा था तो एक बड़ी सी होर्डिंग वो सीधे एक पेट्रोल पंप पर गिरती है और आप अंदाजा लगाइए कि जो होर्डिंग है वो कितनी बड़ी थी। BMC के पास इस होर्डिंग का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। BMC का साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी की पूरी होर्डिंग अवैध थी, इलीगल थी और जो होर्डिंग का साइज है वो 120 फीट बाई 120 फीट स्क्वायर फीट है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी ये होर्डिंग है। और जब शाम तकरीबन 5 से 5:30 के बीच में जब ये होर्डिंग गिरी थी तो मुंबई के लोग जो हैं वो बारिश से बचने के लिए जो पेट्रोल पंप का शेड होता है वहां पर वो मौजूद थे और कई गाड़ियां पेट्रोल भराने के लिए यहां पर भी मौजूद थी। उसी समय ये पूरा का पूरा जो इलीगल होर्डिंग है वो गिर जाता है और साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोहे का भारी भरकम होर्डिंग है वो किस कदर जब गिरता है तो गाड़ियों चकनाचूर हो जाती हैं। अगर मैं अपने कैमरे कल पे सुनूंगा आप देख सकते हैं कि कई फोर व्हीलर गाड़ियां हैं, टू व्हीलर हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, टैक्सीज हैं, वो सारे के सारे जो गाड़ी हैं वो पूरी तरह से दब चुकी हैं। जो लोग इसके अंदर मौजूद थे वो पूरी तरह से घायल हो चुके हैं। अभी तक जो ऑफिशियल आंकड़ा आ रहा है कि इस पूरे हादसे में 14 लोगों की जाने जा चुकी हैं और 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो ये होर्डिंग यहाँ पर खड़ी थी, इसको लगाया गया था, उसकी जानकारी BMC को क्यों नहीं थी। BMC ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस होर्डिंग के बारे में उन्हें कुछ भी बात की जानकारी नहीं थी और पूरी की पूरी जो एडवर्टीजमेंट की होर्डिंग थी वो इलीगल थी। इस होर्डिंग को जो परमिशन है वो स्टेट रेलवे पुलिस ने दिया था और स्टेट रेलवे पुलिस की परमिशन के बाद इस होर्डिंग को लगाया गया था। तो कल 1 से 1.5 घंटे की इस आंधी के बीच में एक बड़ा दुखद हादसा जो कि मुंबई में होता हुआ आपने देखा। खैर, इसके बाद अब लौटते हैं वापस मार्केट्स की तरफ और देख लेते हैं खिलाड़ियों का रिटर्न किस तरह का है। अब दूसरा कारोबारी सत्र है और इस हफ्ते में हमारे साथ IDBI कैपिटल के ब्रिजेश एल, सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा और कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो रिटर्न्स हैं उनके लिहाज से पहले तो ये कुछ कॉल्स थी, इसमें क्रॉम्पटन में प्रॉफिट्स को बुक कर लिया प्रशांत ने 380 रुपये के टारगेट से, लेकिन प्रॉफिट्स को बुक कर चुके हैं 325 रुपये के जोन्स के आसपास। 308 का एक स्टॉप लॉस उन्होंने इस कॉल में दिया था।
इसके अलावा इरकॉन पे एक कॉल ब्रिजेश ने इनिशिएट की थी 255 के टारगेट्स के लिए, वहाँ पर भी वो प्रॉफिट्स को बुक कर गए। 243 के जोन्स के आसपास उन्होंने ये प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं। और उसके अलावा ओम की तरफ से हुडको की कॉल थी जो कि पहले से वो लेकर चल रहे थे, करीब 234 रुपये के आसपास के टारगेट थे, लेकिन वो अपने प्रॉफिट्स को 227 के आसपास बुक करके निकल गए। 209 का एक स्टॉप लॉस था। इसके अलावा ओम की तरफ से बायोकॉन एक नई कॉल है जो कि उन्होंने इनिशिएट की है 325 के टारगेट्स के लिए, 297 का एक स्टॉप लॉस वो यहाँ पर मेंटेन करके इस कॉल के अंदर चल रहे हैं। रिटर्न वाइज ओम सो फार लीड कर रहे थे फर्स्ट हाफ में, अभी के सिचुएशन के लिहाज से ओम और ब्रिजेश का रिटर्न ऑलमोस्ट एट पार आ चुका है और प्रशांत का रिटर्न करीब 3-3.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बातचीत करेंगे सिरमा SGS के MD JS गुजराल सर से, खासतौर से नंबर्स के बाद जबकि स्टॉक में एक बड़ी बिकवाली भी आई है, किस तरह के नंबर्स रहे, क्या डिटेल है, इन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक की उस तरफ। नमस्कार।